फिर हम लोग ना वहाँ से निकल आए। हम पाँच दिन दिन की रोटियाँ, चार दिन पाँच दिन की रोटियाँ बना ली, रोटियाँ ठंडी मीठी कैसी भी, मतलब कोई घी वाली, कोई आटे वाली, कोई नमक वाली, ऐसी रोटियाँ बना ली, क्योंकि पाँच दिन क्या खाएगी चार दिन। तो गाड़ी में सारे आके बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए तो आते रहे रास्ते में, कभी कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ खा रहे, गद्दी के नहीं उतरना है। लाहौर का स्टेशन जैसे आया ना, लाहौर का स्टेशन, तो हमारा देवर था ना, उसने बोला कि प्यास लगी है, नलका आया है, नलका नीचे उतरे तो पानी भर ले, पानी का वो ना ऐसे तीन होते थे, तीन लकड़ी वाले ऐसे पकड़ने वाले, जब वो भर के लाया तो गिलास थे हमारे पास, छोटे मोटे गिलास थे, जैसे उतरे तो गोली की बरसात शुरू हो गई लाहौर के स्टेशन में। जब आ रहे थे लाहौर के स्टेशन, पहला हिंदुस्तान का स्टेशन पहला लाहौर का आता है, उसमें अटारी आता है, तो स्टेशन जैसे आया तो पानी के उतरे तो एकदम गोली की बरसात, फटाफट चढ़ाए ऊपर, भाई मर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, गोली चढ़ाए, शीशे मीछे बंद कर दिए सारे, बंद खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद, गाड़ी फटाफट स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, पहला स्टेशन अटारी का आया, हिंदुस्तान का प्रश्न अटारी का आता है, अटारी के लोग सरदार थे वहाँ पर, उन्होंने ऐसा चूज हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान के नारे लगा दिए, हम लोग उतर गए तो उन्होंने ऐसा मतलब खाने पीने के, क्योंकि तीन चार दिन के भूखे थे ना, हम लोग कुछ खाया नहीं रास्ते में, जो सूखी भूखी रोटियाँ थी वो खाई, तो उन्होंने ऐसा लंगर चालू, कोई चाय ला रहे, कोई दूध ला रहे, कोई बच्चे के लिए खिचड़ी ला रहे, कोई चावल रोटी, सब लंगर चालू कर दिया अटारी स्टेशन पर। हम उतरे ने सब खाया, अच्छे से खाया, उसके बाद फिर हम ट्रेन में बैठ गए, फिर दूसरे, फिर हम हिंदुस्तान में आ गए ना, फिर तो कोई लड़ाई नहीं है ना।